गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज कुछ दिनों से मेरा ब्लॉगिंग बंद था क्योंकि मैं कुछ पुणे में पढ़ाई कर रहा था। तो आज से मैं फिर स्टार्ट करने वाला हूँ ब्लॉगिंग। तो देखो, मैं पुणे छोड़ के अभी आया हूँ गांव में रहने के लिए। तो सुबह के करीब 8 बजे है और जैसे कि मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में अभी गाँव में रहने आया हूँ, तो आज मैं अपना आज से जो डेली रूटीन होता है मेरा, जो भी कुछ होता है, वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं गाइस। मैंने बताया कि मैं गांव में रहने वाला हूँ, आया हूँ। तो यहाँ पे सुबह के अभी 8-9 बजने वाले हैं। तो घर से मैं नहा वहा के और थोड़ा बहुत नाश्ता करके आया हूँ अपने जो जानवर का गोटा होता है वहाँ पे, तो आया हूँ क्योंकि वहाँ पे घर का आदमी कोई नहीं होता है तो पढ़ाई अच्छे से होती है, तो इसलिए यहाँ पर आया हूँ। देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे हमारे जानवर है, भैंस है। हम बेसिकली पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ पे हम भैंस भी रखते हैं। तो अभी आज 8:30 बजे है, तो मेरा ऑफिस भी होता है। बेसिकली जो नए लोग हैं, जो देखने वाले नए लोग हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जॉब करता हूँ। तो मेरा वहाँ पर ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे से 7 बजे तक होता है। तो उस बीच में मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई और अपना डेली रूटीन और घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लेता हूँ। तो अभी 1-1.5 घंटा मैं पढ़ाई करूँगा और उसके बाद अपना ऑफिस का लॉगिन होगा, तो ऑफिस का काम करूँगा और उसी बीच में मैं अपनी पढ़ाई और जो भी कुछ मेरा डेली रूटीन होता है वो दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, अपनी अभी 1 घंटा पढ़ाई हो चुकी है, तो अभी ऑफिस का टाइम लगभग हो गया है, 10 बजने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी अभी मेरे को भूख लगी है, तो यहाँ पे कुछ पेड़ है, वहाँ से कुछ फल निकाल के मुझे खाना है। तो देखता हूँ कुछ मिलता है तो खा के अभी ऑफिस के लिए बैठ जाता हूँ, फिर बाद में घर जाके खाना भी खाना है। चलो गाइस, अभी तो देखते हैं कुछ मिलता है क्या। ये पेड़ है गावा का, तो इसमें देखते है 2 फल। अभी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो निकालता हूँ 1-2 फल और खा के बैठ जाता हूँ ऑफिस के लिए। तो ये अपना सेटअप रहा पढ़ाई का, थोड़ी पढ़ाई अभी हो चुकी है, देख सकते हो गाइस अभी 1 फल मेरे को मिल चुका है। ये खा के पढ़ाई तो हो चुकी है अपनी, थोड़ा ऑफिस का लॉग इन करके थोड़ा बहुत मेल देख के फिर बाद में खाना खाता हूँ सुबह 10 बजे, 11 बजे, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा अभी 10 बजे ऑफिस का टाइम होता है, तो लगभग अभी 10 बजने ही वाले हैं। मैंने तो लॉगिन कर लिया है, अभी इधर ही था, तो एक यहाँ पे ही बैठ कर मैं अभी ये थोड़ा देर काम करूँगा, उसके बाद घर पे जाके खाना खाएंगे और थोड़ा फिर ऑफिस का लगभग काम 7 बजे तक होता है, तो वही काम करना पड़ता है 7 बजे तक। तो हो गया अभी लॉगिन, करते हैं थोड़ा देर काम और देखते हैं और दिन में क्या क्या होता है। गाइस, अभी मेरा ऑफिस का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, 6 बजे है शाम के, तो मतलब थोड़ा रिलैक्स होता है 6 बजे के बाद, 7 बजे तक वैसे तो काम चलता है। लेकिन अभी ये देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ही ये खाने की चीज़ें लगाई हुई है, प्याज व्याज, उनको पानी दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ ही था, तो पानी देने का काम चल रहा है इनको पेड़ों को, तो करना पड़ता है जब घर में रहता है, तो वही कर रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो गाइस, ये प्याज लगाए हुए है, ये हमारे जो जानवरों का गोटा है इसके नज़दीक ही ये लगाए हुए, तो पानी देने का काम चल रहा है अभी। अभी ही मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, यहाँ भी हमारी खेती है, कुछ मूंगफली लगाई है इधर और उसके ठीक सामने जानवरों के लिए खाना है, और वैसे है हमारे यहाँ का एरिया, तो यहाँ पे हमारे बैल है और यहाँ पे भी कुछ हमने पेड़ लगाए हैं। ये देखो आलू का पेड़ ऐसा होता है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो, ये आलू है, ये प्याज है और भी कुछ कुछ लगाए है, ये देखो बहुत ये धनिया पत्ता है उधर, वहाँ पे बैंगन है,
बहुत सी मतलब यहाँ पे मिर्ची है, नारियल का पेड़ लगाया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके लिए पानी देना पड़ता है, तो उनको ही अभी पानी देने का काम चल रहा है। तो देखते हैं गाइस, अभी लगभग देखो ये शाम का नज़ारा गांव में ऐसा होता है, यहाँ पे स्प्रिंकलर चल रहा है हमारे ठीक हमारे चाचा का, वो जौहरी बोलते हैं उसे, तो उसे पानी देने का काम चल रहा है। तो और भी ये रूटीन होता है लगभग, ये शाम के अभी 6 बजे है। सारी चीज़ें हम घर से ही लगाते हैं, उगाते हैं, क्योंकि बाहर से कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, अभी केमिकल का चल रहा है, घर का कैसा रहता है, अपना खुद का बोया हुआ अच्छा रहता है, तो पैसा भी बच जाता है और अच्छा भी मिलता है, तो इसलिए हम घर पे ही सब लगाते हैं सब्जियाँ और यही खाते हैं। तो हो गया अपना यहाँ पे भिगो के सारा पूरा का पूरा खेत, ये इतना सारा। तो मिलते हैं गाइस अभी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, यही ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, और भी कुछ मेरा डेली रूटीन रहता है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अब से अपना डेली मैं ब्लॉग शूट करूँगा, अपलोड करूँगा, और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि ये मेरा डेली रूटीन और एक किसान का, और किसान के साथ साथ मैं एक जॉब भी करता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो मेरा डेली रूटीन कैसे रहता है। इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। जय हिंद।